इतनी सुंदर लड़कियों को गैस नहीं होती, वो दीपिका को होती है। अरे इनको थोड़ी, इनको डिओडोरेंट होते हैं, रोज फ्लेवर, पेटल फ्लेवर, अमीर हो गए। देखो ये लड़कियों को भी प्रॉब्लम होती है, ये आप उसको ये इंसान की प्रॉब्लम है, इंसान की प्रॉब्लम है, कोई लेना देना मेरे साथ हो लो। बट लड़कियों को जरा तमीज होती है, वो सुमड़ी में काम कर जाती है, ये जो लड़के हैं उनको धमाकों में जरा मजा आता है। और हमारे पंजाब में तो खास है, किसी को ये प्रॉब्लम है तो एक साइड उड़ जाती है। ऐसी वाली प्रॉब्लम टीम में किसको सबसे ज्यादा है? युवराज सिंह जो सबसे बड़े पद्दड़ है, मतलब सॉरी हर यू भी, बट दैट्स अ फैक्ट कि मतलब उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। वो लंबा सा एक म्यूजिक साउंड ऐसे ऐसे कि ऐसे लगता है भैंस बोल रही है। अरे यार शो की बातें करो, अब हमको उसको लेके बैठे हैं यार। बाजी आपके पैशन और इंटेंसिटी की तो मिसाल देते हैं इंडिया में, ठीक है, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि गीता भाभी टीवी पे मैच देख रही हैं और आप पिट गए बॉलिंग में और वापस आके घर पे क्या बहाना मारते हो फिर? नहीं, हमारी क्रिकेट के ऊपर बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको इतना क्रिकेट का पता नहीं है। तो आपको कहां देख लिया उन्होंने आईफा में परफॉर्म करते हुए? लेकिन ताज्जुब है कि गीता भाभी को क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें हैरानी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमें कहानी पता है। एक्चुअली वो हुआ ऐसा था कि आईपीएल जब शुरू हुई थी, पहला ही साल था, मैंने ऐसी चांस लिया, पूछ लेता हूँ कि टिकट चाहिए, वुड यू लाइक टू कम फॉर द गेम। वो कहती लेट मी थिंक, तो दो घंटे बाद मैसेज आता है कि या आई वुड नीड कपल ऑफ टिकट्स। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बात बन गई। तो ड्राइवर आया टिकट लेने, मैंने कहा ठीक है ये ले जाओ। मैं पूरा दिन मैच जब चलता रहा मैं देखता रहा स्टैंड में, मैंने कहा यार नज़र तो नहीं आ रही कहीं। बाद में जब पता चला तो वो ड्राइवर मैच देखने आया हुआ था, वो और जो पासिस थे वो इतने अच्छे थे, और ड्राइवर की तो चांदी हो गई, वो उसकी मोहल लग गई, बट उसमें मेरा कांड हो गया। बट एनी हाउ फिर वो पास एक फिर भी जरिया जरूर बना, क्योंकि उसको लगता था अब इसने मुझे फेवर की है तो इसको एक बार मिल लेती हूँ चाय या कॉफी पे। बट एक बार फिर जब कोई शेर के मुंह में खून लग गया तो फिर बच के कोई नहीं गया, कॉफी पे मिले थे। फिर उसके बाद मुलाकातें जो है वो बढ़ती गई, और आज ऑफ कोर्स 2 साल हो गए हैं शादी हुए, तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। क्रिकेट का पास आप दोनों को पास पास ले आया बेसिकली। तो एक बताओ, ज्यादातर क्रिकेटर्स ने कसम खाई होती है कि शादी करूंगा तो फिल्मी लड़की से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। डेफिनेटली ये दोनों ऐसी फील्ड हैं, अट्रैक्ट जरूर करती हैं, चाहे वो यूवी की बात करूं या मैं अभी जहीर की शादी हो रही है सागरिका के साथ, तो विराट का मुझे अभी पता नहीं है कि आगे शादी कब कर रहा है, और मैं जरीन कोशिश करूंगा कि हमारे जो सिंगल लड़के हैं अभी युजविंदर चाल वगैरह से मैं बात करके देखता हूँ। नहीं थैंक यू, अभी उससे बड़ा मुर्गा बिरयानी में डाल के खा जाती है ये। बाजी मैं आपसे अब आपके टोटकों के बारे में पूछना चाहती हूँ, सुपरस्टिशंस जो होते हैं, सही शब्द आजमाया मैंने? बिल्कुल, टोटके होते हैं, हर प्लेयर के होते हैं, और हर सीरीज आती है। नहीं मैं तो ये करता हूँ कि नई सॉक्स पहनता हूँ, मेरे अंडरगार्मेंट सारे मैं नए पहनता हूँ, देखता हूँ कि पहली इनिंग में बॉलिंग कैसी हुई, अगर तो विकेट मिल गए तो फिर पूरी सीरीज वही चलते हैं। ऐसे ही एक वो सीरीज 2001 की, उसमें मैंने नई सॉक्स और अंडरवेयर जो था वो नया पहना था, और वो आप लोग नहीं पहनते होंगे, सब लोग पहनते हैं यार, अंडरवेयर के नाम पे हंस रहे हैं, नया पहना था, पहनना चाहिए। जी बाजी, तो मैंने पहली इनिंग में 4 विकेट लिए मुंबई में, अगले मैच में मैंने कहा यही पहनते हैं, अगली इनिंग में 6 विकेट लिए, सेकेंड इनिंग में 7 लिए, मैंने कहा यार ये सॉक्स और अंडरवेयर का कमाल है, मैच बॉलिंग तो खैर जो हो रही है वही हो रही है। तो अगले मैच में मैंने फिर पहने, फिर मैंने लिए 8 और 7 विकेट, 15 विकेट, मतलब 3 मैच में 32 विकेट ले लिए। तो सीरीज खत्म होने के बाद देखा, मैंने जब पहले स्पाइक्स निकाला तो यहाँ से छेद था बहुत बड़ा, और बाकी की मैं बात नहीं बताऊंगा और कहाँ कहाँ छेद थे। तो ऐसे बहुत से प्लेयर हैं, सनत जयसूर्य उसका एक अजीब ही तरीके का टोटका है, वो इधर उधर ही पता नहीं क्या क्या करता रहता था, बैट इधर उधर मारता था। रोशन महानामा थे, वो बैट को फूंक मारता रहता था। और सचिन लेफ्ट पैड ही पहले पहनते हैं। वीवीएस लक्ष्मण बैटिंग करने से पहले
शावर उनको लेना ही लेना है और एक एप्पल खाना ही खाना है। तो ऐसे हर प्लेयर के छोटे छोटे टोटके हैं। हमारे भी यहाँ कलर चैनल वाले बड़े टोटके करते रहते हैं। इन्होंने भी जोशी को बुलाया था, पहले मलिष्का और रघु को एक साथ बिठाने वाले थे पाजी, फिर कहते यार एक साथ मत बिठा, ऐसा लग रहा है तांत्रिक ने खोपड़ी पकड़ी हुई है। पाजी और जरीन आपसे बात करके इतना मजा आ रहा है, मगर ये लोग जो चेहरा तक रहे हैं कहते हुए कि शादी में है तुम्हारे, तो इनको भी परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। मलिष्का का इंटरव्यू यहीं पर खत्म होता है। प्लीज हम आपको गेस्ट एरिया की तरफ ले जा रहे हैं आज एंटरटेनमेंट की रात के इस मंच पर आने का। आज हमारा पहला शो है, वी रियली वांट टू नो कि ये सेटअप देखो, इन थोबड़ों को देखो। सबसे पहले आके जो नोटिस की चीज वो है ये सेट, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, वेरी वेरी टेस्टफुली डन, एंड मुझे लग नहीं रहा है मैं किसी शो पर आई हूँ। आई कैन सी फ्यू ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स हियर एंड घर का माहौल है एंड इट्स अ कलर्स शो। अजी पाजी, मैं ना बचपन से फॉलो किया आपको। अच्छा, मतलब इतना सा था तब से। क्या बात है। और एक बात फैक्ट है कि वेजिटेबल की दुनिया में आलू की सब्जी का और क्रिकेट की दुनिया में द ग्रेट भज्जी का कोई तोड़ नहीं। जरीन, एक फैक्ट बताता हूँ आपको जी। खाली लंगड़ा और दशहरी नहीं, आम चौसा भी होता है, और अगर लड़की हो तो जरीन जैसी क्यूट होनी चाहिए, हॉट तो सारा समोसा भी होता है। थैंक यू। समोसा खुल के एकदम मौनी रहो मेरी दोस्त। मैं तुझ पे शेर नहीं मारूंगा, मैं तुझ पे पंच मारूंगा, ऐसे पंच मारूंगा कि पंच मार मार के इस एंटरटेनमेंट की रात को नाग पंचमी की रात बना दूंगा। ध्यान से देखिए इसको, ये लड़की जब से नागिन बनी है तब से इसके घर में जो दूध भी है वो भी किसी नॉर्मल डेरी का नहीं, नागौरी डेरी का आता है। अभी कल की बात है, शूट के बाद डायरेक्टर ने पूछा मौनी इसके बाद कहाँ जाओगी, कहती है पिटारे में। नॉट फनी, अगला वाला अच्छा लगेगा। खुद ही बोल गया। अच्छा जी। कलर्स वालों ने इस एपिसोड के लिए पूछा मौनी यार यू आर अ वेरी एक्सपेंसिव आर्टिस्ट, कितना पैसा लोगी, कहती है मैं 8-9 लाख नहीं लूंगी, मैं 10 लूंगी। अब हम बात करेंगे अरे टेलीविजन की बेहतरीन अदाकारा, द सुपरस्टार, द गेम चेंजर ऑफ इंडियन टेलीविजन, मौनी रॉय के बारे में नहीं, वो बिना डेली सोप वाली दीपिका बैठी हुई ना उसके बारे में। गरीब एक्ट्रेस। भजी भजी, इसके बारे में एक डिटेल है जी। ये कलर्स टीवी पे ना बहुत बड़ा शो कर रही थी, शो का नाम था ससुराल सिमर का। वो अलग बात है कि पिछले समर में ससुराल सिमर का इस सिमर के लिए समाप्त हो गया, मगर तब से लेकर अब तक रोज दिन में 12 घंटा ही अपनी बालकनी में इससे खड़ी रहती है। एक दिन आते जाते मैंने पूछ लिया इससे कि यार दीपिका क्या चक्कर है यार, तुम बालकनी में क्या खड़ी रहती हो, ऐसा क्या है बालकनी में, कहती है रवि किसी को बताना मत, एक्चुअली शो के बाद ना मैं नहीं चाहती कोई मुझे ये बोले कि दीपिका कक्कड़ अपने घर पे बैठी है। कलर्स टीवी के सभी दर्शकों को एक वैधानिक चेतावनी, अगर आपके सर में जुए हो या बालों में डैंड्रफ हो तो तुरंत शैंपू कीजिए, वरना हालत मेरे प्यारे दोस्त रघु जैसी हो जाएगी। 12 वीक का कटप्पा। हेलो ऋत्विक, यार तूने तो कहा था यहाँ पे इन लोगों ने किसी सुपरस्टार को बुलाया, अभी तो रवि दुबे है। हाँ हाँ पता है तुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन यार इसके साथ काम करके अपने पास गाड़ी थोड़ी ना आएगी। एक काम कर, वो जो EMI पे गाड़ी ऑर्डर की थी ना वो कैंसिल कर दे। हाँ हेलो। हाँ सरगुन, नहीं आया ना पार्टनर, अब वो 125 रुपए में ऑर्केस्ट्रा एंकर करता है ना ऋत्विक धनजानी, उसकी गर्लफ्रेंड है ना, अरे वही जो पार्टी में तुम्हारी चप्पल पर्स में लेके भागी थी वही। वो चप्पल मैंने नहीं चुराई थी, ऋत्विक ने मेरे पर्स में रखी थी। अच्छा। मैंने तो सिर्फ बाथरूम से डियो चुराया था। अगर चुराई लिया था तो लगा भी लेती। ये छोड़ो, ये बताओ आशा कि पहली बार टीवी पे आके कैसा लग रहा है। हेलो, मैं पहली बार नहीं टीवी पे बहुत बार आ चुकी हूँ। मैं टैलेंटेड बंदे के साथ आने की बात कर रहा था, फुल पावर। और सुन, मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ यार, अपने को लिया इतना पैसा लेके अच्छी बात है, मगर ये नन्हे मुन्ने बच्चों को क्यों लिया यार। दिव्यांश ना कितना क्यूट है ना। मैं दिव्यांश की बात नहीं कर रहा,
मैं उसके बगल में बैठे हुए आदित्य की बात कर रहा हूँ। आदि यू सच अ क्यूटी। पता है जब तुम्हारी शॉप पे फिल्म आई थी ना तो मैंने 10 दिन तक लगातार थिएटर में देखी थी। अबे सोच समझ के झूठ बोला कर समझी। 10 दिन तक पिक्चर देखी थी, 10 शो में तो पिक्चर उतर गई थी। दस दिन चलती तो आदि यहाँ नहीं यहाँ बैठा होता। वो पिक्चर छापित नहीं थी, ये एक्टर छापित है। भज्जी पाजी एक बार ही वेस्ट इंडीज को हराने के लिए भज्जी पाजी ने सिक्स पैक बनाए थे। फिर क्या, वेस्ट इंडीज मैच जीत गए, वो सिक्स पैक पी गए। हेलो ऋत्विक, हाँ वो जो एसी का ऑर्डर दिया था ना कैंसिल कर दे। गर्मी 2 महीने से एटीएम में सो रहे हैं ना, 2 महीने और सो जाएंगे। इससे एंटरटेन नहीं होने वाला, रहने दे। ए तो पागल है क्या? अरे मैं खानदानी एंटरटेनर हूँ, मेरे चाचा मौसा काका जीजा सब एंटरटेनर है। मेरे नाना के तो 10 बेटे थे। 10 बेटे? 10 बेटे, इतना जोर लगाएगी तो 2 और हो जाएंगे।